इस वक्त मौजूद है कानपुर के नाना राव पार्क में, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वाल्मीकि समाज को संबोधित किया। आज वाल्मीकि जयंती का अवसर है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मोहन भागवत जी यहां पे नाना राव पार्क में वाल्मीकि समाज को संबोधित कर यहां कार्यक्रम से निकल रहे हैं। उन्होंने कहा वाल्मीकि समाज में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में वाल्मीकि जी जो है उनकी एक अपना अलग स्थान है, अगर वो ना होते तो राम के नाम को शायद कोई जान ना पाता। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वाल्मीकि समाज के कई लोग, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। भाई साहब आप लोग बताइए, आप लोगों ने पूरा संबोधन सुना जो आरएसएस प्रमुख है उनका, क्या कोई बात निकल के आई, कैसा मानते हैं इस पूरे भाषण को जो उन्होंने आपको? अनिल जी देखिए बड़े हर्ष का विषय है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे संघ परिवार को कि जो संघ प्रमुख हैं सम्मानित मोहन भागवत जी आज वाल्मीकि समाज के बीच आए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और पूरा समाज, मैं भी वाल्मीकि समाज से आता हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार में मुझे भी राजस्व राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है, तो ये बड़े ही हर्ष का विषय है। पूरा हमारा समाज पूरा हर्षोल्लासित है कि संघ के जो सबसे वरिष्ठ हैं वो आज समाज के बीच आकर के जिनके हम आदर्श हैं आज वो हमारे बीच आएं, तो निश्चित ही, और जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी और संचालक महोदय ने कहा कि जैसे सबरी जी के यहाँ भगवान पहुँचे थे उसी तरह का जो उन्होंने संबोधन किया, तो निश्चित ही इसमें बहुत बड़ी बात है और मैं उनका हृदय से बहुत बहुत और पूरे समाज की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा कि जो वाल्मीकि समाज है उनको आगे आने की जरूरत है, अभी थोड़ा पीछे चल रहा है, हालांकि कानून बनाए गए हैं लेकिन अभी भी काफी उसमें काम करना है, उसको कैसे देखते हैं? मानी भागवत जी ने कहा है हमारे समाज के लिए कहा उन्होंने कहा जोड़ने के लिए, जब हम संघ की शाखाओं से जुड़ेंगे वहाँ से प्रेरणा लेंगे, जो हमारे लोगों में कमियाँ रही हैं उन कमियों को हम लोग दूर करेंगे। और माननीय भागवत जी ने आज कहा है कि उसमें बड़ा समय लगता है 10-20 साल का, तो हम में से जो लोग अच्छा करेंगे, दारू शराब का सेवन खत्म करेंगे, जो सामाजिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे वो समाज आगे आएगा और उसको उन्होंने कहा मौका भी देंगे, तो इसके लिए मैं भागवत जी को धन्यवाद दूंगा और महर्षि वाल्मीकि चरणों में नमन करूंगा और समस्त वाल्मीकि समाज के लोगों को भी नमन करूंगा और समस्त संघ सेवक जो आए हुए हैं उनको भी नमन करूंगा। इसे कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जो वाल्मीकि समाज है अपने आप में पैर रखता है पूरे कानपुर क्षेत्र में और पूरे इस डिवीजन में, क्या उससे जोड़कर आप इस पूरी चीज को देख रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और हर पार्टी चाह रही है कि उनका जो वोट है वो वाल्मीकि समाज के? देखिए ये तो स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना काम कर रही है, लेकिन हमें यह महसूस हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है और संघ के माध्यम से जो वाल्मीकि समाज के लिए काम कर रही है उससे समाज जो है वाल्मीकि समाज के लोग काफी प्रभावित हैं और हम आशा और उम्मीद भी करते हैं कि आने वाली जो सरकारें हैं, जो सरकार अभी प्रेजेंट टाइम है, वो जो है और भी ऐसे निर्णय लेंगी कि जिससे कि जो वाल्मीकि समाज का जो है उत्थान होगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अभी माननीय भागवत जी ने जैसे कि अभी कहा कि हमारे ये समाज के लोगों को समानता कैसे प्राप्त होगी, हम अन्य समाज के लोगों से भी आशा उम्मीद करते हैं कि जो है सबसे निचले स्तर के जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उन लोगों को जो है अपने भाईचारे के रूप में जो है साथ में लेकर उनके उनका भी दायित्व बनता है कि वो भी उनको लेकर चलें जिससे कि समानता का जो है प्रारूप पूरे देश में जो है जा सके। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग मौजूद है वरिष्ठ नेता, उनसे बात करेंगे। आप भी आज स्टेज पे थे, आपने अपनी बात रखी मोहन भागवत जी के लिए, आपने कई शब्द कहे उनके साथ, हमने देखा बराबर स्टेज पे थे, क्या आपको लगता है वाल्मीकि समाज के लिए कौन सी ऐसी बात निकल के आई है जो बहुत महत्वपूर्ण है उनके? चलिए ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे कई लोगों से, हमने बात करने की कोशिश करी और देखा कि उनका कहना ये है कि अभी भी और जरूरत है इस चीज पे और काम करने की और अन्य समाज से भी हम कोशिश करेंगे और बात करेंगे और उनकी भी एक कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक समान जो है वो बिहेवियर दे। मैं आपसे अब जानना चाहूंगा आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था इस समाज मीडिया के माध्यम से हमारे परम पूज्य सरन साहिचाल जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि जब तक उनके व्यक्तित्व को उनके कृतित्व को हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक सही समाज की रचना हम नहीं कर सकते।
और उन्होंने कहा कि जहाँ पर वाल्मीकि समाज की जरूरत है उन जरूरतों के बारे में हमारा ध्यान है, जिस तरह हम उन्होंने माँ सीता की परवरिश हमारे से वाल्मीकि ने की, तो उस जो वंशज हम यहाँ पर महसूस है वाल्मीकि समाज, तो उनकी देखरेख करना, हर तरीके ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है, ऐसा भी उन्होंने अपने ओजस्वी वाणी में कहा है। एक सवाल अब सबसे लेना चाहूंगा कि हमने सुना तीन चार दिन पहले मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो वर्क सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं उसकी जरूरत अब खत्म हो चुकी है और इस पर हमें संशोधन करना चाहिए, उसको वाल्मीकि समाज कैसे देखते हैं? देखिए, जो व्यवस्था एक बनाई गई है तो वो जात के आधार से नहीं बनाई गई है, कर्म के आधार से बनाई गई है। लोगों ने अपने जात के आधार पर, जैसे वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था में कहीं नहीं लिखा है अगर दलित समाज योग्य है, काबिल है और वो प्रचार हो सकता है, पंडित हो सकता है, तो उसको वो स्थान मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारी दूषित मानसिकता का प्रतीक है कि जो हम लोग उसको जात से देखकर उसकी योग्यता को नीचे कर देते हैं। कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी के जो स्टेटमेंट है उससे कहीं ना कहीं रखते हैं आप, एग्री करते हैं? नहीं, उनका जो 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 उन्होंने अपने अमूल्य वाणी जो उन्होंने रखा समाज के बीच में, उससे 16 नहीं बल्कि 32 आना सही बात हूँ, और वो उन्होंने जो हम लोगों को रोशनी दी है उस रोशनी में चलकर हम अपने वाल्मीकि समाज का उत्थान करेंगे। जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को तरफ उन्होंने इंगित किया है, उसको भी हम लोग सब मिलकर दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। ये थे वाल्मीकि समाज के कई लोग जिनका कहना है कि वो जो मोहन भागवती है संघ प्रमुख, उनकी बात से बिल्कुल अग्री करते हैं, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक दूसरे समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को साथ में लेके चले और किसी तरीके का अन्याय उनके साथ ना होने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर।